जी हाँ फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें कि आप सिर्फ 1 रुपये खर्च करोगे और आप रिलायंस जियो का 449 रुपये की रिचार्ज कर सकते हो, जिसकी कि वैलिडिटी 91 डेज़ है। तो फ्रेंड्स, इस टाइप का वीडियो मैं 1-2 दिन पहले भी लाया था जिसमें कि व्यूअर्स की बहुत सारी शिकायतें हैं कि ये नहीं पूरा हुआ, ये नहीं हुआ, ये कैसे होगा। तो मैं उस सब को भी दूर करूंगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं सबसे पहले आप लोगों को प्रूफ दिखाऊंगा ताकि आप लोग के मन में कोई भी निगेटिविटी ना रहे और आप वीडियो को पूरा देखें। तो फ्रेंड्स, आप लोग से गुजारिश है कि आप स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखें, उसके बाद आप कुछ कमेंट करें। तो मैं कोशिश किया हूँ कि आप लोगों की जितने भी प्रॉब्लम हो सब को सॉल्व करें इस वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। उससे पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं प्रूफ दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स, मैं अपना मैसेज बॉक्स ओपन किया हूँ। मैं ICIC बैंक से रजिस्टर्ड हूँ, तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, सपोज 1 रुपया पे करते हो तो आपको 201 रुपये का कैशबैक आएगा सिर्फ एक अकाउंट में, और अगले अकाउंट में आएगा 51 रुपये का कैशबैक, जो कि टोटल कैशबैक हो गया 251। सपोज आपके पास 2 नंबर हो और 2 बैंक अकाउंट हो तो आपको जो टोटल अमाउंट आएगा 502 रुपये का आएगा, और मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ 449 रुपये की रिचार्ज की, तो आपके पास और पैसे बच जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के माइंड में ये बात ज़रूर चल रहा होगा कि मैं ऑलरेडी ओल्ड यूज़र हूँ। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया है कि मेरे पास बैंक अकाउंट नहीं है, तो इस वीडियो में आपको ये भी बताऊँगा कैसे आप 1 मिनट के अंदर बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हो, और प्लस में जो ओल्ड यूज़र हैं वो न्यू यूज़र में कैसे तब्दील हो जाएंगे मैं वो भी बताऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करोगे कुछ इस टाइप का इंटरफेस शो होगा ब्राउज़र में। तो आपको आप देख सकते हो कि सबसे ऊपर आ रहा है जियो महा लूट पे ओनली RS1 एंड गेट RS449 रिचार्ज, तो इस पर क्लिक करना है। फ्रेंड्स, क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस शो होगा, और यहाँ पे देख सकते हो हाईलाइट में जियो महा लूट नाउ यू कैन रिचार्ज RS449 ओनली इन RS1। तो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हो कि आपको सिर्फ 1 रुपये पे करने हैं। मैं विथ प्रूफ इस टाइप का वीडियो में इससे पहले बनाया हूँ। सपोज जो न्यू यूज़र हो जिनको कुछ आइडिया नहीं हो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि सबसे नीचे एक यहाँ पे देख रहे हो एक वीडियो का लिंक है, वॉच दिस वीडियो फॉर मोर डिटेल। इसमें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है कि कैसे कहाँ पे क्लिक करेंगे, 1 रुपया कहाँ पे करेंगे तो मुझे कैशबैक मिल जाएगा, ऑल डिटेल है। हालांकि ये 10 मिनट की वीडियो है, मैं दोबारा से उसको लंबा नहीं करना चाहता हूँ इसलिए यहाँ पर ये नहीं दिखा रहा हूँ। सो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर क्लिक करके पूरी वीडियो देख ले। तो फ्रेंड्स, अब मैं बात करता हूँ कि कैसे आप ओल्ड यूज़र से न्यू यूज़र में कन्वर्ट हो जाओगे। तो फ्रेंड, ओल्ड यूज़र सपोज आप हो तो ओल्ड और न्यू यूज़र जो होता है गूगल तेज जो सपोर्ट करता है वो हमेशा मोबाइल नंबर और उसके साथ बैंक अकाउंट दोनों एक साथ जो नंबर रजिस्टर्ड होता है उसमें होता है वो सपोर्ट। तो सपोज़ आप किसी एक नंबर से, सपोज़ एक एयरटेल के नंबर से और ICICI बैंक के नंबर जो दोनों रजिस्टर्ड हो उससे आप एक बार साइन अप कर लिए, तो आप न्यू बनने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आप अपने बैंक अकाउंट का नंबर चेंज कर लोगे। बैंक अकाउंट नंबर चेंज करने का 2 प्रोसेस है नॉर्मली, एक तो आप ATM से चेंज कर सकते हो और दूसरा ऑनलाइन चेंज कर सकते हो। फ्रेंड्स, सभी बैंक का अलग अलग प्रोसेस है, सो मैं सभी बैंक का एक साथ नहीं बता सकता हूँ। जिन लोगों को भी प्रॉब्लम हो इन 2 तरीकों में वो आप कमेंट करके पूछ लो, मैं उसी टाइम हेल्प कर दूँगा कि कैसे आपको
नंबर चेंज करना है। सो आप ओल्ड से न्यू यूज़र में कन्वर्ट हो जाओगे। कुछ लोगों ने मुझे ये भी कमेंट किया है कि सपोज़ मैं उसी बैंक से दोबारा रजिस्टर करता हूँ तो एटीएम कार्ड भी वेरीफाई कराया जाता है जो कि सेम रहेगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि मैंने इसके लिए रिसर्च कर लिया है, दोबारा से चेक किया था, ये हर टाइम एटीएम नंबर नहीं मांगा जाता, ये हर बैंक में नहीं मांगा जाता। तो इसकी चिंता आप बिल्कुल ना करें, आप ओल्ड से न्यू यूज़र में कन्वर्ट हो जाओगे। अब बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्होंने कमेंट करके पूछा है कि मेरे पास कोई बैंक अकाउंट नहीं है। तो फ्रेंड्स, हमारे पास ऑनलाइन कई ऑप्शन अवेलेबल हैं जो कि आप एक मिनट के अंदर बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हो। जो सबसे इजी ऑप्शन है, सपोज आपके पास कोई भी एयरटेल नंबर हो तो आप 2 से 2.5 मिनट के अंदर आपके पास एक बैंक अकाउंट हो जाएगा जो कि आप एयरटेल बैंक में रजिस्टर कर सकते हो और आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपके सभी सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में दे दिया हूँ। अब आप 1 रुपये में 500 रुपये से ज़्यादा अर्न कर सकते हो, ये विथ प्रूफ है। तो फ्रेंड्स, ये जो आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देखा, ये प्रोसेस करोगे, मैं सभी लोगों से गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पे जो लिंक दिया हुआ है, ये वॉच दिस वीडियो फॉर मोर डिटेल, इस पर क्लिक ज़रूर कर लें और फुल स्टेप बाय स्टेप इसमें ऑल ऑप्शन दिए गए हैं कि कैसे कैसे 1 रुपया कहाँ पे करना है, आप गलत जगह 1 रुपया ना पे करें। ये ऑप्शन सिर्फ एक बार मिलता है, इसलिए आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के लिंक पे क्लिक करके ज़रूर पूरा वीडियो देख लें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।